तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। माय नेम इज शिवानी। काफी फनी बात है कि रोमन डेज के एंट्रेंस म्यूजिक को भी शादियों में बजाया जा रहा है आजकल, लिटरली कांट बिलीवेबल। सो आज का वीडियो लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत सारे सुपरस्टार्स के बारे में डिस्कस करूंगी। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रोमन डेज का एंट्रेंस मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो आप भी हैरान हो जाओगे कि लिटरली कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लाइक अपनी शादी के एंट्रेंस में एक ब्राइड कपल ने रोमन डेज के थीम म्यूजिक पे धमाकेदार एंट्री की थी। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पर सोशल मीडिया में जो जो चलता है उसके बाद जो रियल में फैंस होते हैं वो भी मिमिक्री करते हुए दिखाई देते हैं पॉल हेमन और रोमन नेस की। जैसे कि जो दुल्हन थी वो पॉल हेमन का रोल एक्ट कर रही थी और वही दूल्हा रोमन नेस का। लिटरली काफी इंटरेस्टिंग होगा यह देखना। तो गाइस, आप देखे होंगे जब भी रोमन नेस एंट्री करते थे तो पॉल हेमन अपने कंधों पर टाइटल को लटकाए रहते थे, और इसके बाद जब दोनों स्टेज की तरफ जाते थे तो दोनों टाइटल को दिखाते थे। कुछ ऐसा ही इस कपल ने भी करके दिखाया। पॉल हेमन के अंदाज में दुल्हन ने दूल्हे को चैंपियनशिप दी थी। तो गाइस, आप एक बार जाके सोशल मीडिया में इन दोनों का वीडियो देखना, लिटरली आपको काफी फनी लगने वाला है। और गाइस, जब पॉल हेमन ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है। पॉल हेमन ट्वीट करके बोलते हैं कि ये शादी का सबसे जबरदस्त ट्रेंड बन रहा है अभी। सभी आए दिन रोमन नेस के एंट्रेंस म्यूजिक को अपनी शादियों में यूज कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो रोमन नेस के कितने क्रेज है। वैसे सच्ची बोलू तो मेरे भी पर्सनली फेवरेट रोमन नेस ही है। मैं तो अभी रिसेंटली कुछ 2 या 3 साल पहले से WWE देख रही हूं, बट वीडियोस बनाए हुए 1 साल ही हुआ है। बट गाइस, अनफॉर्चुनेटली रोमन नेस अभी काफी दिनों तक टीवी में नहीं दिखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों सुपरस्टार काफी टाइम तक इन रिंग एक्शन से दूर रहने वाले हैं। देन बात करते हैं आज के रॉ के बारे में, यानी कि आज के रॉ में स्टेफनी मैकमैन का एक फॉर्मल सरप्राइज अपेरेंस देखने को मिला। लिटरली काफी दिनों बाद उन्होंने अपना अपेरेंस दिया। तो गाइस, रिसेंटली काफी बुरी खबर आई कि इस बार का रॉ ड्राफ्ट का एपिसोड लिटरली काफी ज्यादा ही डाउन गया। अब तक का 2024 का सबसे कम प्रॉफिट होने वाला रॉ स्मैकडाउन और ड्राफ्ट ही रहा। लाइक दोनों ही ड्राफ्ट में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ WWE को। तो गाइस, आप लोग समझ सकते हो जब बड़े बड़े सुपरस्टार WWE में नहीं रहते तो कितना लॉस होता है। बट मैं पर्सनली बोलूं तो अभी उतना सच्ची में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है WWE देखना। जब से कॉडी रोसे रेसलमेनिया 40 को जीता है तब से सारे सुपरस्टार चले गए WWE से और उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता देखने। वैसे गाइस, आप लोग को ये WWE का न्यू एरा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देन नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने पहले गाइस, जैसा कि आप जानते हो, पहले उन्होंने रोमांटिक स्टोरी लाइन रिया रिप्ली के साथ स्टार्ट किया था, और अभी के टाइम में वो रूम शेयर कर रहे हैं लिव मॉर्गन से। और डोमिनिक मिस्टीरियो जो ये सब करते हैं उनको उनका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है ये सब करने का, लाइक न्यू स्टोरी बिल्डअप करना और कनेक्शन बनाना, लव एंगल दिखाना। देखो तो ये सब ऑलरेडी WWE की प्लानिंग रहती है प्रॉफिट के लिए। देन बात करते लिव मॉर्गन के बारे में गाइस, जब ये 2021 में आई थी तो इतनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग नहीं दिखती थी, उस टाइम सभी उनको अंडर एस्टिमेट कर देते थे। और गाइस अभी देख लो, अभी सबको ओपन चैलेंज करते हुए दिखाई देती है लिव मॉर्गन। इनके वजह से रिया रिप्ली को अपना चैंपियनशिप भी छोड़कर जाना पड़ा। जब रिया रिप्ली आएगी तो जबरदस्त बदला लेने वाली है लिव मॉर्गन से। देन नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में, यानी कि जैसा कि आपको पता है अभी काफी राइवलरीज देखने को मिल रही है ड्रू मैकइंटायर और CM Punk के बीच। ड्रू मैकइंटायर अपने एक इंटरव्यू में बोलते हुए नजर आते हैं कि CM Punk ने एक बार 2011 में मेरी लाइफ हेल बना दी थी, अब वो फिर से ऐसा ही करने का कोशिश कर रहा है 2024 में। तो गाइस, अगर आप आज का रॉ देखे होंगे तो इनमें भी इन दोनों की काफी डेंजरस राइवलरीज देखने को मिली, यानी कि CM Punk ने जबरदस्त तरीके से धमकी दी ड्रू मैकइंटायर को। हाँ, और एक बात बता दूं लिव मॉर्गन के बारे में कि लिव मॉर्गन को बच्चे काफी ज्यादा पसंद है, और जब भी वो रिंग में एंट्री करती तब भी किड्स काफी हैप्पी हो जाते हैं उनको देखकर। यार पहले का ड्राफ्ट देखना कितना मजेदार होता था ना, जब जॉन सीना जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहते थे। तो जॉन सीना के बारे में एक बात बता दूं कि जॉन सीना को 2005 में रॉ में ड्राफ्ट किया गया था। आप बिलीव नहीं करोगे बट वो वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट था WWE ड्राफ्ट की हिस्ट्री का। लाइक जॉन सीना और रॉ में लिटरली ये काफी सोचने वाली बात है। तो आज के रॉ में एक इतना इंटरेस्टिंग मोमेंट देखने को मिला था जब लॉगन पॉल जेय उसो को मारने जाते हैं, जेय उसो वहां से हट जाते हैं, तभी गलती से लॉगन पॉल जेडी मैकडोना पे अटैक कर देते हैं। तो गाइस, उसके बाद रिएक्शन देखने लायक था जेय उसो का, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो। लिटरली वो उस टाइम काफी अनसीरियस पर्सन लग रहे थे, जैसा कि आप लॉगन पॉल को देख सकते हो। लॉगन पॉल लिटरली काफी शॉक हो गए थे कि ये मैंने क्या कर दिया। देन उसके बाद इन तीनों सुपरस्टार ने जबरदस्त तरीके से धोया जेय उसो को, तभी ब्रॉन शोमन की एंट्री देखने को मिलती है। लगभग 1 साल बाद ब्रॉन शोमन WWE में एंट्री किया। देन बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में, यानी कि अंडरटेकर रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गए थे, वहां पे उन्होंने कॉडी रोड्स को लेके बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कॉडी रोड्स को हील वाइब्स देना चाहिए अभी के टाइम में। और गाइस देखो तो अभी के टाइम में कॉडी रोड्स को फैंस एकदम भाव ही नहीं दे रहे, क्योंकि उनका बोरिंग सा प्रोमोस देखने को मिलता है हर स्मैकडाउन या रॉ के एपिसोड। फिर अंडरटेकर ये भी बोलते हैं कि कॉडी रोड्स बेबी फेस के कैरेक्टर में तो ठीक है, बट हील कैरेक्टर
कैरेक्टर में अभी तक लग रहा है कि उतने अच्छे नहीं हुए। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, यानी कि फैंस के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है। लंबे ब्रेक पे नहीं जाने वाले डोमिनिक मिस्टीरियो, जैसा कि अभी रिसेंटली पता चला था कि उन्हें काफी डेंजरस इंजरी आ गई है उनके एल्बम में। बट गाइस ये सब बस एक रूमर्स था, और जैसा कि आप लोग देखे होंगे बैक स्टेज भी आज रॉक एपिसोड में देखने को मिले डोमिनिक मिस्टीरियो, तो जल्द ही वो वापस से इन रिंग में भी आने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा वैल्यूएबल लगता हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।